ऐसा प्रतीत होता है कि आज दो प्रकार के लोग पृथ्वी पर चल रहे हैं, जिनके पास उद्देश्य की मजबूत भावना है और उसके बिना उद्देश्य के ऐसा लगता है कि बीच में बहुत कुछ नहीं है। तो आप कहाँ हैं? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उद्देश्य की कमी के लिए परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान है, और फिर भी मैंने देखा है कि लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, लोगों को दूसरों द्वारा कुचला जा रहा है और उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो किसी तरह महानता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन निर्धारित करने का प्रबंध करते हैं। मेरा मतलब उस तरह की महानता से नहीं है जिसका अनिवार्य रूप से नोबेल शांति पुरस्कार जीतना या सबसे अधिक बिकने वाला संगीतकार बनना है। ये सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां हम में से अधिकांश लोग पहुंचते हैं। मेरा मतलब उस तरह की महानता से है जो दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, भले ही ये सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन हो। महान तरीकों से एक माँ जो अपने बच्चों को ईश्वरीय देखभाल करने वाले वयस्क के लिए खुद को समर्पित करती है, एक आदमी जो अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के लिए खुद को खाली कर देता है, जो लोग अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाते हैं भले ही उनके बलिदान की कोई प्रशंसा ना करें। उद्देश्य की कमी के लिए परिस्थितियां कभी भी हमारा बहाना नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उन पर चलें। परमेश्वर ने आपको एक खास तरह के विशेष उपहारों और क्षमता के साथ बनाया है और उसने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है कि तुम भले कामों के लिए उन्हें प्रयोग करो, दूसरों को आशीष देने के लिए उनका उपयोग करें और उसकी महिमा के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने युवा या बूढ़े, कितने अमीर या गरीब, आप कितने प्रसिद्ध हैं या नहीं, आप उसकी कारीगरी हैं जो अच्छे कामों को करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो उसने पहले से ही तैयार की है ताकि आप उनमें चल सकें। वहीं आपके जीवन का उद्देश्य निहित है, और ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।